और ये हो गई भाई लड़ैया, हो गई वहीं जाके घुस गया खुर्शीद भाई की छत पे। ये हो गई भाई लड़ैया, लड़ाई हुई थी। ये एक कबूतर बैठा सेंधा हरीबानों वाला, पैरों में दिख रही है हरीबाने। ले जवान में से पकड़ूंगा, ले तू वीडियो बनाइयो, ले चालू है तो माशाल्लाह सही हो गई। तो इसे बाहर छोड़ दूं मैं अब? चलो बाहर छोड़ देते हैं इसे, आ जा। अब ये थोड़ी बहुत सही हो चुकी है, चल। अरे वाह, बाहर रहेगी, उड़ेगी उड़ेगी तो सही हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी इसे बाहर निकाल दिया कबूतरी को, क्योंकि अंदर रहेगी ना यार पड़े पड़े वो हो सकती है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। तो गाइस दिल्ली पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस पिजन हमारे सारे खुले हुए हैं, देख सकते हो पीछे। और भाई इस टाइम टाइम बज रहा है 4 बजे के आसपास, तो कबूतर हमने जल्दी खोल लिए थे। धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, मगर क्या है मौसम थोड़ा सा सही है, अब इतनी गर्मी नहीं है, मगर ज़बरदस्त मौसम है कबूतरबाजी के लिए। अब धीरे धीरे इसका टाइम हम लाते रहेंगे, और अपना जो टाइम है 2 बजे का 1 बजे का दोपहर में जब कोई लड़ैया कराने वाला आएगा, तो अब सीज़न जैसे जैसे करीब आएगा आपको लड़ैया भी देखने को मिलेगी। और अभी कबूतर उड़ा के दिखाएंगे, और उड़ता हुआ दिखेगा कबूतर। तो जो हमारे चैनल पर नए वीडियो शुरू करने, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाने के लिए इसलिए कहता हूँ, कोई सी भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। कबूतरों का शौक कराएंगे, और अपने ब्रीडिंग सेटअप का भी शौक कराएंगे, और बच्चे दिखाता हूँ आपको सबसे पहले अपने। आज शुरुआत जो करने वाले ना अपने ब्रीडिंग सेटअप से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ चाहने वाले कह रहे थे साहिल भाई आप ब्रीडिंग सेटअप जो है मत हटाओ और ब्रीडिंग सेटअप दुबा दो। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रखने वाले, कम ही रखेंगे कबूतर, और जो बचे हुए हैं कबूतर बस वही रखेंगे। और बाकी सेटअप जब भी बनाएंगे ना, जाल वाल तोड़ के जब सेटअप बनाएंगे, तो ब्रीडिंग सेटअप का बहुत अच्छा सेटअप बनाएंगे, बहुत शानदार सेटअप बनाएंगे। और नेक्स्ट सीजन कबूतर भी नए लाएंगे, आप लोगों की चाह रही थी साहिल भाई नए कबूतर लाओ, नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह आपको कबूतर भी देखने को मिलेंगे, नए नए कबूतर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्रीडिंग सेटअप से, और उसके बाद फिर आपको इनका शौक कराएंगे, उड़ा के दिखाएंगे, और क्या कंडीशन है कबूतरों की वो दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ब्रीडिंग सेटअप से भाई, शुरुआत करेंगे ब्रीडिंग सेटअप से। और मैं जाल में आ चुका हूँ, और ये कबूतर अपने सारे बैठे, और ये जो हमने देखो कबूतर ये वाला पकड़ा था, और सारे कबूतर वापस ही डाल दिए इसमें, क्योंकि दुखी कर रहे थे कबूतर, हमें दिक्कत दे रहे थे, तो वापस ही डाल दिए। और इनमें से भी कबूतर बेच बाज के ना कुछ कबूतर कम कर दूंगा, और नीचे खाल बैठी हुई है। मादिन हमने इसमें वापसी डाल दिए, मगर नर उड़ा रहे हैं, नर उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हैदराबादी इसके बच्चे हैं, इसके बच्चों का शौक कराता हूँ आपको सबसे पहले। दबाई ये रहे दोनों बच्चे माशाल्लाह, ये बैठे हुए हैदराबादी के बच्चे हैं दोनों। ये बड़ा है, और ये वाला चेतन छोटा है, ये छोटा चेतन है, ये बड़ा चेतन है। दोनों बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, मगर बच्चा बड़ा वाला जो है ना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। पता है क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि इसकी भराई अच्छी हो रही होगी, जैसे मादिन दाना वगैरह खिलाने आती है ना, तो क्या होता है जो बड़ा वाला होता है जल्दी चोंच घुसेड़ता है, ये वाला कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यार। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा बचेगा, मगर अल्लाह मालिक है, भराई इसकी अच्छी हो रही है। अरे वाह, बच्चा तो ये अच्छा निकल रहा है यार। इधर का इधर से दो कलर में है यार, और अच्छा पिलखा निकल रहा है, पिलखा दो कलर में, इधर वाइट कलर है, उधर इसके दो कलर आ गए, एक बाजू में दो कलर आ गए देखो, और इधर जो है पूरा वाइट है, पिलखा हो सकता है ये, पिलखा चानना। बाकी देखते हैं भाई, छोटा बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है यार, मगर छोटा बच्चा अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। बाकी देखते हैं भाई कैसे है, देखो कैसे मार रहा है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय, आ जा आ जा, अभी से गद्दारी दिखा रहा है। तो इसका बाप तो यार शानू भाई के यहाँ गिर चुका है, इसका बाप था वो जो शानू भाई के यहाँ गिरा था, हैदराबादी, इसके उसी के बच्चे हैं ये, उसी के बच्चे हैं ये, देख लो गाइस, जो शानू भाई के यहाँ गिरा था। आ बेटे, आ बेटे, आ बेटे, आ बेटे, परेशान कर रहा हूँ मैं, है मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई से, देखो मुझे काटने में मज़ा आ रहा है। चलो बाकी कबूतर अपने सारे पड़े हुए, इसके बच्चे हैं भाई ये हैदराबादी के, और वो इसका बच्चा एक हो रहा, वो भी इसी का बच्चा है,
और इसकी भाई बाजू देखो, इसकी बाजू हो गई थी हमारी डैमेज इस वाली कबूतरी की, देखते हैं उड़ रही है अब तो, माशाल्लाह सही हो गई। तो इसे बाहर छोड़ दूं मैं अब, चलो बाहर छोड़ देते हैं इसे, आ जा। अब ये थोड़ी बहुत सही हो चुकी है, चल। अरे वाह, बाहर रहेगी, उड़ेगी उड़ेगी तो सही हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी से बाहर निकाल दिया कबूतरी को, क्योंकि अंदर रहेगी ना यार पड़े पड़े वो हो सकती है। तो मैंने आपको दिखा दिया भाई अपना ब्रीडिंग सेटअप, और वो कबूतरी जिसकी हमारी बाजू कटी थी ना, इसकी वीडियो देख लेना, उसमें आपको पीछे वीडियो दिख जाएगी, इसकी बाजू जो कटी थी पतंग से कटी थी, कैसे कटी थी। और इसके मैंने हल्दी लगाई थी इस कबूतरी के। अब मैंने माशाल्लाह इस कबूतरी को खोल दिया है, इस कबूतरी को मैंने अब खोल दिया है, और अभी इसका तावे अपनी आप ही ये तावे लेगी, जब पता लगे खुद नहीं उड़ाऊँगा कभी इसकी बाजू में तकलीफ हो और ये कबूतरी गिर गिरा जाए, तो अभी इसके तावे लेके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये उड़ी नहीं, ये उड़ी नहीं, चमक रही है, हो सकता है इसकी उड़ गई। हाँ इसकी बाजू में यार तकलीफ है, चलो कोई बात नहीं, उड़ के सही हो जाएगी, आओ ये उड़ेगी ना सही हो जाएगी, वहाँ बैठ गई, थोड़ी बहुत उड़ती रहेगी तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगी। बाकी देख लेंगे इसे, अगर नहीं उड़ पाएगी तो इसे हम वापसी डाल देंगे उसमें, क्योंकि अभी उसकी चोट यार तकलीफ है तो दिक्कत दे सकती है, इसलिए ऊपर बैठ गई कबूतरों पर जाके, और ज़्यादा मैं इसे छेड़ूंगा भी नहीं कि क्या फ़ायदा यार दिक्कत हो जाए, तो कबूतर को आराम करने दो इसे। ये देखो मैंने कुंडी में जो है ना, इसमें कुंडी में घेर रहा हूँ, इसमें दो दिन से भिगो रखी थी, ये क्या चीज़ है बताओ कमेंट बॉक्स में, इसे पता हो तो। ये जो है मैं कबूतरों को डालूँगा, ठीक है। खा लो बेटा, खा लो। ये दो दिन की भीगी हुई है भाई पानी में, दो दिन से भीगी हुई है ये। आओ आओ, इस छत पे हमारे जवान भाई आ चुके हैं धूप में, क्या करना है जवान भाई है? ये अपना ब्रीडिंग सेटअप देखने आ जाओ जवान भाई। अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हारा फेवरेट कबूतर कौन सा है इन सब में से, बताओ पीछे कौन सा वाला बताओ है, कौन सा ये वाला भाई, डब्बू चान्ना दिख रहा है ना बैठा हुआ, डब्बू चान्ना गाएं 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 वो बैठा हुआ, तो ये जवान भाई का फेवरेट है। देखो अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ, मैंने जवान से पूछा कौन सा फेवरेट, कह रहा काला चान्ना, मतलब इसे डब्बू चान्ना कबूतर जो पसंद है भी दिखाता हूँ। भाई देखो ये बैठा हुआ दिखा रहा जवान, ये बैठा हुआ है ये वाला, ये डब्बू चान्ना अपना डब्बू चान्ना, तो ये जवान को पसंदीदा, जवान का जवान के हाथों से उड़वाएंगे कबूतर, ले जवान। बस रहने दे, जो उठ गया बेटा कोई बात नहीं, ये उठ गया भाई कबूतर, जवान ने ऊँचे कर दिया भाई कबूतर, और कबूतर हम ओए होए, खुर्शीद भाई के कबूतर उड़ गए, वो उड़ रहे भाई खुर्शीद भाई वाले, दिखा लड़ाइया कराएंगे, वहीं चल दिया भाई खुर्शीद भाई के कबूतरों की तरफ, हमारा कबूतर देख उनकी छत पे चल दिया भाई कबूतर, खुर्शीद भाई की छत पे चल दिया भाई कबूतर, हम वहां की चक्की दे रहे हैं कबूतरों को, आओ 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 आओ
ये बिठा लिया भाई मैंने कबूतर, तो बहुत बढ़िया गया, खुर्शीद भाई की छत पे गया कबूतर सीधा। आ आ आ जान नीचे जाओ, हाँ नीचे आओ, मेरा फोन लेके आओ, चार्जिंग पे लगा हुआ है वॉशिंग मशीन पे, जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। चक्की दे दी भाई मैंने खुर्शीद भाई की छत की, कबूतर मैंने जो है बिठा लिया, अभी दोबारा से खुर्शीद भाई के उठेंगे तब आपको दिखाएंगे कि लड़ाइयाँ होती है नहीं होती, अगर होगी, क्योंकि कबूतर को तो भाई अपना कबूतर तो ऐसा भाई देखो, कबूतर देखते ही, कबूतर देखते अभी तुम कंडीशन देखना, कबूतर देखते ही जाके घुस जाएगा उधर, इसे बस कबूतर लड़ाइया चाहिए, इसे कबूतर देखने को मिलने चाहिए, इसे कबूतर दिख गए ना ये यूं ही जाए घुस जाएगा। और कुछ कबूतर मैंने दो तीन ऊपर बैठे हुए और बाकी जवान ऊपर छत पे चढ़ गया। जवान भाई क्या कर रहे हो ऊपर है, इसका तो आप दिल ही नहीं करता किसी चीज़ में वीडियो बनाने का। बाकी मैं आपको अभी लड़ाइया दिखाता हूँ, ठीक है भाई, अगर लड़ाइया होती है, और कबूतर की कंडीशन देखना, कबूतर उठते ही सीधा जाएगा लड़ने के लिए। तो भाई कबूतर उठा दिया मैंने, देखो जरा और ये हो गई भाई लड़ैया, हो गई, वहीं जाके घुस गया खुर्शीद भाई की छत पे, ये हो गई भाई लड़ैया। हड़िया हड़िया जवान नीचे रख, नीचे हो जा, ये आ गए, आ बेटे आ, थोड़ा सा जाने डाल देते हैं, आ आ आ आ आ आ आ आ ये आ गया भाई, एक आया था हैदराबादी, वो गया निकल गया, अब कोई नहीं है। आ आ या भाई लड़के, एक आया था हैदराबादी लग के, तो लड़ाई हुई थी, ये एक कबूतर बैठा सेंधा हरीबानों वाला, पैरों में दिख रही है हरीबाने, ले जवान में से पकड़ूंगा, ले तू वीडियो बनाइयो, ले चालू है वीडियो, आ अबे किसी और की छत पे लैंड करा, इधर दिखा मुझे, हां दिखा मुझे, इस बिल्डिंग पे आगे बैठ गया। तो गाइस वो कबूतर एक बैठा था और भाई वो तोड़ में बैठ गया था, उठ के भाग गया। अबे जैसे पतंग आ जाती है वैसे हमारे हाथ कबूतर आ जा रहा है, दिखा आओ आओ, कबूतर तो कर दिए हमने अपने सारे बंद, ये देखो जी सारे कबूतर अंदर कर दिए, आज लड़ैया कराई है इनकी फर्स्ट टाइम कबूतरों की खुर्शीद भाई से, और इंशाल्लाह लड़ैया देखने को आपको मिलेगी सीजन में बढ़िया बढ़िया। सारे कबूतर कर दिए हमने बंद, जाल वाल भी एकदम चौकस साफ़ सुथरा कर दिया है, देख सकते हो दोनों जाल एकदम चौकस कर दिए साफ़ सुथरे। तो ये थी आज की वीडियो लड़ैया की, और जिसका हमारी बाजू कटी थी वो भी हमने जाल के अंदर डाल दिए, और जान कर रहा है ऊपर,
ब्रीडिंग सेटअप का भी शौक दिखाया और लड़ाई अभी दिखाई। आज की वीडियो कैसी लगी? तो आज हमने आपको दिखाई खुर्शीद भाई के कबूतरों से ज़बरदस्त लड़ैया, और एक कबूतर आगे बैठा भी था मगर वो हाथ नहीं आया, उठ के भाग गया। काफ़ी शाणा कबूतर था, और जो शाणे कबूतर होते हैं ना भाई, वो मुश्किल से ही हाथ में आते हैं। ना तो उनने दाना देखा ना वो नीचे उतरा, भूल में बैठा था, तोड़ सी पड़ी तो आके बैठ गया था, मगर जब उसकी समझ में आया कि मेरी छत नहीं है तो कड़ाक से उठ के भागा और सीधा खुर्शीद भाई की छत पर पहुँचा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।